हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होगी शीन हॉल पे। तो मैंने शीन से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, मैंने ब्रशेस मंगवाए थे, मैंने कुछ कलर्स मंगवाए थे और बहुत सारी एक्सेसरीज मंगवाई थी और साथ में मैंने कुछ ड्रेसेस मंगवाई हैं। और मैंने बहुत पहले शीन से ऑर्डर किया था बट लॉकडाउन हो गया था, उसकी वजह से डिले हो गया। और साथ में मुझे पता है कि इंडिया में शीन बैन हो गया है बट स्टिल क्योंकि हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैन नहीं है तो मैं ट्राई करना चाहती थी इनके प्रोडक्ट्स, इनके ब्रशेस ट्राई करना चाहती थी क्योंकि मुझे ऑन एंड ऑफ कमेंट्स आते थे कि आप शीन के ब्रशेस ट्राई करें, तो इसलिए मैं ट्राई करना चाहती थी। एंड आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं लिंक्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी आप लोगों को, बट अगर मुझे सिमिलर प्रोडक्ट्स मिलेंगे किसी और वेबसाइट पे तो मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी, आप चेक करें। और साथ में एक डिस्क्लेमर, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आप चाइनीज़ वेबसाइट से चीज़ें मंगवाएं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू अगर आप मंगवाना चाहते हैं कि नहीं। बट मैं ट्राई करना चाहती थी क्योंकि उनके ब्रशेज़ पहले ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल नहीं थे बट अब अवेलेबल हैं, तो इसलिए मैं ट्राई करना चाहती थी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये हॉल दिखा रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है चाइनीज़ वेबसाइट्स तो आप ना ऑर्डर करें, बट या आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस हॉल विद यू गाइज। सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने आपको कहा सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं नीचे मेंशन कर दूंगी और अगर मुझे सिमिलर प्रोडक्ट्स मिलेंगे किसी और वेबसाइट पे वो भी मैं लिंक्स मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो चीज़ मैंने मंगवाई है वो है, मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ, मैं ऐसे ही कुछ बीच बीच में से उठा लूँगी। तो सबसे पहले ये शैम्पू मसाजर है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये इसके ऊपर इस तरह से आपको सिलिकॉन ब्रिसल्स मिल जाएंगे। तो मैं बहुत देर से ट्राई करना चाहती थी इस तरह का मसाजर क्योंकि कहते हैं कि इससे स्कैल्प बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो अगेन आप लोगों को ये अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा, तो आप ट्राई करके देखिए। मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं किए बट ये ब्रिसल्स काफ़ी थोड़े से मुझे हार्श लग रहे हैं। आई डोंट नो कि काफ़ी हार्ड लगेंगे मुझे सिर पर, बट लेट्स सी। तो ये सबसे पहला मैंने मंगवाया है। तो ये हेयर मसाजर है जो आप शैम्पू करते टाइम यूज़ करते हैं। सेकंड चीज़ जो मैंने मंगवाई है वो है ये 3D मसाजर। तो ये फेस मसाजर है। इसके साथ आपको आई डोंट थिंक कि ये वाइब्रेट करता है, नहीं करता। तो इसमें लिखा है कि ये लाइट पैटर्न है और ये रिंकल्स के लिए और एक्टिवेशन ऑफ सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ हाउ द मसाजर लुक्स लाइक। आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत अच्छे से रोल हो जाता है। तो अगेन मैंने ट्राई नहीं किया, मैं इसको भी ट्राई करना चाहती थी क्योंकि मैं एक्चुअली फोरियो का ये आई मसाजर यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है बट ये वाइब्रेट नहीं होता। सो लेट्स सी क्योंकि रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे इसके वेबसाइट पे। तो ये वाला मैंने मंगवाया है। स्पेशली अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं तो आप मसाज ज़रूर करें। तो हर रात को मैं जब भी अपनी नाइट टाइम रूटीन करती हूँ तो मैं मसाजर के साथ अच्छे से मसाज करती हूँ, उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है तो वो बढ़ जाता है और आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाएगा। सो ये मैंने दूसरा चीज़ मंगवाई है शीन से। नाउ नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है और मैं ट्राई करना चाहती थी क्योंकि मुझे सडनली ये दिख गया था, तो मैंने रैंडमली सामान पिक किया था क्योंकि मैं एक्सेसरीज़ में ये सब चीज़ें देख रही थी। तो जो भी आता जा रहा था तो अगर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था तो मैं परचेज़ कर रही थी। तो ये हेयर रिमूवर है। यूजुअली मैं दूसरा वाला यूज़ करती हूँ बट अभी जो उसकी सेल वीक हो गए थे, तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो ये मैंने ऑर्डर किया था। अगेन मैं लिंक्स मेंशन कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली इस तरह के जो हेयर रिमूवर्स होते हैं बहुत पसंद है क्योंकि मैंने एक्चुअली लेज़र करवाया है तो मुझे इतनी हार्ड ग्रोथ नहीं आती है, बट अगर आपको हार्ड ग्रोथ आती है तो आप ट्राई करके देखिए क्योंकि मैंने अपनी मम्मा को भी रेकमेंड किया था। ये वाला नहीं, दूसरा अमेज़ॉन से मैंने रेकमेंड किया था तो उनको काफ़ी पसंद आया, उन्होंने लेज़र नहीं करवाया। तो आप ट्राई करके देखिए क्योंकि पर्सनली आई फील कि कोई इतनी ज़्यादा हार्ड ग्रोथ नहीं हो जाती, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। और अगेन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैं लिंक्स मेंशन कर दूंगी नीचे या फिर मैं स्क्रीन पे प्राइस वगैरह मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। सो ये मैंने नेक्स्ट मंगवाया है शीन से। तो फेस के लिए ही मैंने ये मंगवाया था। ये है ब्लैक हेड्स रिमूवर एक्चुअली। तो ये पिन जो इस तरह की आप यूज़ करते हैं ब्लैक हेड्स में, तो ये वाला पैक मुझे मिल गया था। आई थिंक 4 का पैक है। तो मैं काफ़ी देर से ट्राई करना चाहती थी क्योंकि मैं पहले जो यूज़ करती थी वो मैंने इंडिया से लिया था बट अभी वो काफ़ी पुराना हो गया तो इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रही उसको। सो I actually wanted to try out new one, तो मैं let me just open this. तो ये आपको इस तरह से चार आपको ये वाले मिल जाएंगे ऐसे। तो इसमें आपको बहुत ही सिंपल होता है कि ये इस तरह से एक एंड पे आपको ऐसे होल टाइप होता है, तो आपको यूज़ करना होता है ब्लैक हेड्स पे। तो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है ये वाला प्रोडक्ट ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए क्लीन करने के लिए। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा लाइक क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे इसकी, और प्राइस बहुत इनएक्सपेंसिव है। मुझे 4 का आई थिंक पैक मिल गया था, स्टिल आई डोंट रिमेंबर, तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। और यूज़ करने से पहले आप ध्यान रखिए, आप थोड़ा सा स्टीमिंग लें, उसके बाद यूज़ करें इसे। तो ये मैंने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए मंगवाया था। नाउ नेक्स्ट फेस के लिए ही मैंने ये फेशियल रेज़र मंगवाया है। तो ये 2 का पैक मुझे मिल गया था, आई होप यू गाइस कैन सी। तो ये 2 का पैक मुझे मिला था, अगेन मैं मेंशन कर दूँगी। प्राइस वाइज इतना एक्सपेंसिव नहीं था, बट पर्सनली मैं फेशियल रेजर्स वगैरह यूज़ नहीं करती। तो ये इस तरह का है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लेड है, बट इतना ज़्यादा शार्प नहीं है। तो क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था फेशियल रेज़र और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, वो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था जब मैं इंडिया में थी। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मैंने उसे रिटर्न करवा दिया था। बट ये वाला बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें कट लगने के चांसेस थे, बट इसमें इतना ज़्यादा जो ब्लेड है वो शार्प नहीं है। सो मैंने यूज़ नहीं किया, सो आई होप ये अच्छे से काम करेगा। तो ये मैंने मंगवाया था, और अगेन ये 2 का पैक था। तो आपको अलग अलग कलर्स के मिल जाएंगे, एंड अगेन क्वालिटी आई वुड से इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था वो बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी था और बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। तो प्राइस वाइज आई वुड से बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो ये मैंने फेशियल रेजर मंगवाया है। नाउ नेक्स्ट मैंने शीइन से ये वाले कलर्स मंगवाए हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं ट्विस्ट करके। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं ये ट्राई करना चाहती थी, और साथ में मैं ट्राई करूँगी यूज़ करके इसको, एंड आई विल शो द रिज़ल्ट विद यू गाइज वेरी सून, अगर आप देखना चाहते हैं। तो लेट मी जस्ट टेक आउट वन। तो इस तरह का है ये, आप इसको इस तरह से ट्विस्ट करके अपने बालों पर रैप कर सकते हैं। मुझे यूज़ करना नहीं आता, मैं ट्राई करूँगी कैसे यूज़ करते हैं। और साथ में द बेस्ट थिंग इज़ दैट ये आपको हीट कुछ भी नहीं लगानी अपने बालों में, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रात में अप्लाई कर लें अपने बालों में और छोड़ दें पूरी रात, और सुबह जस्ट ओपन दिस। सो उसके लिए मैंने मंगवाया था, क्योंकि मुझे कर्ल्स करना बहुत अच्छा लगता है, बट मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ, क्योंकि हीट वगैरह होती है कर्ल्स में, जो कलर्स होते हैं उसमें हीट होती है। सो आई वुड रियली लव टू ट्राई दिस आउट। अगेन क्वालिटी मैं बोलूँगी कि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि प्राइस में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर्स मिल रहे हैं इस तरह के ट्विस्ट वाले। तो लेट्स सी कैसे काम करता है ये। तो ये मैंने नेक्स्ट मंगवाया है। नेक्स्ट मैंने फेस के लिए ही मंगवाया है, ये मैंने कंप्रेस फेशियल मास्क मंगवाए हैं। सो इसमें आपको 50 मास्क मिल जाएंगे। ये डिस्पोजेबल मास्क हैं, आप इसको पानी में या फिर कोई भी आपको मास्क के लिए यूज़ करना है उसमें डिप करें, तो ये फेशियल मास्क का शेप ले लेता है। सो मैं काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, बट मुझे मिल नहीं रहे थे, तो आई ऑर्डर दिस वन। 50 मास्क हैं इसमें, और प्राइस के हिसाब से काफ़ी चीप हैं, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया। अगेन अगर मुझे अमेज़ॉन का लिंक मिलेगा मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो मैं या तो eBay का या तो Amazon की लिंक्स मेंशन कर दूँगी, अगर मुझे सिमिलर प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यूजुअली मैं फेशियल मास्क अप्लाई करती हूँ इस तरह के जो शीट मास्क होते हैं, बट शीट मास्क काफ़ी एक्सपेंसिव आपको मिलते हैं मार्केट में। अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लें, उसमें 2-3 ड्रॉप्स किसी भी फेशियल ऑयल की ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, और उसमें आप थोड़ा सा टर्मरिक ऐड करें, पिंच ऑफ टर्मरिक, और उसके बाद आप इसको इसमें उस वाले पानी में डिप कर दें थोड़ी देर के लिए, और हल्का सा आप रोज़ वाटर ऐड कर लें, और फिर आप अप्लाई करें। और हर रोज़ ट्राई करके देखिए, क्योंकि मैं यूज़ करना चाहती हूँ इस तरह से, तो मैं ट्राई करूँगी और आई लेट यू नो गाइस कि किस तरह से अच्छा काम किया कि नहीं। सो ये मैंने ऑर्डर किया है। नाउ नेक्स्ट फेस के लिए ही मैंने ये क्लीन स्पंज ऑर्डर किया था, मैं काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, तो ये मुझे शीन पे मिल गया था। क्योंकि मैंने अमेज़ॉन पे ट्राई किया था, तो मुझे रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं मिल रहे थे, जो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है। तो ये मैंने देखा, तो आई वांटेड टू ट्राई दिस एज वेल। लेट मी जस्ट ओपन दिस फॉर यू। सो ये इस तरह का काफ़ी सॉफ्ट है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इसे ओपन किया, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो स्पंज थोड़ा सा थिक है एंड एज यू कैन सी, तो मैं इससे अपना मेकअप क्लीन करूँगी। एंड अगेन आई लेट यू गाइज नो कि कितने अच्छे से काम किया। अगर आप चाहते हैं मैं इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ट्राई करूं, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि मैं कौन सा वाला प्रोडक्ट ट्राई करके दिखाऊं आपको वीडियो में, तो आई विल यूज़ दैट प्रोडक्ट। तो ये मैंने स्पंज ऑर्डर किया है, अगेन प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। मैंने यूज़ नहीं किया सो मैं नहीं बता सकती कि कितने अच्छे से इसने मेरा मेकअप रिमूव किया, बट आई विल श्योरली ट्राई दिस। और मैं मोस्टली प्रोडक्ट शायद अपने इंस्टाग्राम पर ट्राई करूँगी, IGTV पे। तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया, डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल। So this is the next clean sponge which I've ordered from Shein। अब आते हैं brushes पे। तो सबसे पहले मैंने ये brush cleaner order किया है। तो मुझे लगा था थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मेरे पास सेम इस पैटर्न का Sigma का है, वो काफ़ी बड़ा है, वो इतना बड़ा है। तो ये थोड़ा सा छोटा है बट प्राइस के हिसाब से ठीक है। Again I'm going to mention the price on the screen। So this is how इट लुक्स लाइक। अभी आपको शायद इसमें पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, बट इसमें अलग अलग पैटर्न है। और ये पीछे से सिलिकॉन है, आप इसको स्टिक कर सकते हैं अपने वॉश बेसिन पे एंड यू कैन वॉश योर ब्रशेस विद दिस। तो इसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है। तो मैं ये ट्राई करना चाहती थी। थोड़ा सा मुझे हल्का सा मतलब मटीरियल बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है। आई डोंट नो वेदर इट्स गोना वर्क और नॉट, सो लेट्स सी। तो ये मैंने स्पेशली ब्रशेस के लिए ऑर्डर किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी Sigma का है, बट मैं ट्राई करना चाहती थी कि Shein का कैसा है। तो अगेन अगर मुझे कोई सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जिसकी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार, वो थे मेकअप ब्रशेज़। तो ये मैंने ब्रशेज़ ऑर्डर किए हैं। लेट मी जस्ट ओपन दिस फॉर यू गाइज। सो दीज आर द ब्रशेज़ जो मैंने ऑर्डर किए हैं Shein से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का पैक है और प्राइस अगेन बहुत ही अफोर्डेबल है। तो ये मैंने ऑर्डर किए हैं। और मुझे, जैसे कि मैंने आपको कहा, मुझे ऑन एंड ऑफ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप Shein के ब्रशेस ट्राई करें। अब इंडिया में बैन हो गई है वेबसाइट, बट आप किसी और वेबसाइट से ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आप बाहर हैं इंडिया से तो आप ट्राई करना चाहते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। तो इसमें सबसे पहले फेस के लिए आई गेस 3 ब्रशेज़ हैं। सो आई विल शो यू गाइज। तो ये 3 ब्रशेज़ हैं फेस के। तो ये थोड़ा सा डोम्ड इस तरह का ब्रश है, तो ब्लश के लिए बहुत अच्छा है। ये आई थिंक ये पाउडर ब्रश है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई भी फाउंडेशन ब्रश है, बट मैं इसको फाउंडेशन के लिए ट्राई करूँगी। इसके थोड़े से ब्रिसल्स निकल रहे हैं। सो अगेन सी द क्वालिटी आप नहीं बता सकते जब तक आप यूज़ ना करें, क्योंकि क्या होता है जब बहुत ज़्यादा चीप आप प्रोडक्ट्स इस तरह के ब्रशेज़ मंगवाते हैं तो उनके ब्रिसल्स बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो लेट्स सी। तो ये डूल इस तरह का ब्रश है, इस तरफ ये टेपर्ड पॉइंटी ब्रश है। तो आप इसको हाइलाइटर के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको अंडर आइज़ को सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये एंगल ब्रश है एक साइड पर, तो आप इसको कॉन्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन आप ब्लश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो पैक में ये 3 ब्रशेज़ हैं, फेस ब्रशेज़। और ये बाकी 7 ब्रशेज़ हैं फॉर आइज़। तो इसमें आपको मिल रहा है इस तरह का थोड़ा टेपर्ड काइंड ऑफ ब्रश। तो ये अलग अलग ब्रशेज़ हैं, आई शेडोज़ के लिए भी हैं। आई थिंक ब्लेंडिंग के लिए आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी ये वाले ब्रशेज़। और क्वालिटी अभी मैं बता नहीं सकती। वैसे तो हैंडल वगैरह ठीक लग रहा है, ज़्यादा फ्लिमजी नहीं है। तो इसमें एक एंगल ब्रश भी है स्मॉल। सो सारे ही ब्रशेज़ हैं ऑलमोस्ट जितने आपको आइज़ के लिए चाहिए। मैं ट्राई करूँगी ये पूरा सेट और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से काम किया। अगर आप चाहते हैं मैं ये वाले ब्रशेज़ ट्राई करूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वाले ब्रशेज़ ट्राई करूँगी एंड आई शेयर माई रिव्यू विद यू गाइज़। तो अगेन मैं क्वालिटी ऐसे बता नहीं सकती क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया और साथ में वॉश करने के बाद पता चलता है कि कैसी क्वालिटी है ब्रशेज़ की। तो ये फेस ब्रशेज़ मैंने ऑर्डर किए हैं Shein से। अब नेक्स्ट जो मैंने आइटम ऑर्डर की है वो है स्पंजेस। तो मैंने ये 3 स्पंजेस का सेट ऑर्डर किया है। अगेन प्राइस वाइज आई थिंक मुझे याद भी नहीं, इट वॉज अराउंड 5 और 6 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो काफ़ी ज़्यादा चीप हैं। लाइक क्वालिटी में अब से मुझे पता नहीं है, बट प्राइस में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। सो दीज आर द स्पंजेस। तो ये स्टाइल है, इस तरह से फ्लैट है और इस तरह से नीचे से डोम्ड है। तो तीनों एक ही स्टाइल के हैं। मैंने ये वाला ऑर्डर किया था, बट अलग अलग आपको स्टाइल मिल जाएंगे। कुछ छोटे स्पंजेस भी हैं जो आप अंडर आइज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नहीं यूज़ करती, तो इसलिए मैंने 3 का सेट ऑर्डर किया था। और कलर वाइज बहुत अच्छे हैं। वैसे तो क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, बट मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। मैं एक को वॉश करके लाऊंगी और देन आई विल शो यू गाइज द डिफरेंस के, क्योंकि क्या होता है अभी वैसे तो हार्ड नहीं लग रहा क्योंकि मोस्टली जो बहुत चीप स्पंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं और वो बिल्कुल भी पानी सोखते नहीं हैं, बट ये वैसे बहुत सॉफ्ट लग रहा है। तो मैं एक को वेट करके लाती हूँ पानी के नीचे एंड देन आई विल शो यू गाइस कि ये साइज़ में कैसे बढ़ता है, तो जस्ट वेट। तो ये मैंने वॉश करके लाया है, अब आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में। तो ये काफ़ी साइज़ में बढ़ गया है एज यू कैन सी, और बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है गाइस, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लग रहा। क्योंकि यूजुअली जो बहुत ज़्यादा चीप जैसे कि मैंने आपको कहा स्पंजेस होते हैं वो पानी सोखते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, बट ये बहुत बहुत सॉफ्ट लग रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्पंजेस ट्राई किए हैं एंड आई रियली फील आई कैन फील द डिफरेंस। तो ये बहुत बहुत अच्छा है। तो यू कैन सी द साइज़, तो ये डबल हो गया है साइज़ में। सो आई होप ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं मैं स्पंजेस भी ट्राई करूँ ब्रशेस के साथ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और आई वुड लव टू ट्राई दिस, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर आप बाहर हैं इंडिया से तो आप ये ट्राई कर सकते हैं स्पंजेस, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स जो मैंने शीन से मंगवाए हैं, फेस ब्रशेस, स्पंजेस, क्लीनर्स, मास्क वगैरह। और इनके अलावा मैंने जैसे आपको कहा मैंने ड्रेसेस मंगवाई हैं, तो मैंने 3 ड्रेसेस ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रही थी। और शीन की मैंने वैसे भी ड्रेसेस ट्राई की हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो सबसे पहले मैंने ये वाली ड्रेस ऑर्डर की थी। तो ये लॉन्ग ड्रेस है काफ़ी, तो मुझे लॉन्ग ड्रेसेस बहुत पसंद है और ये ऊपर से इस तरह से बंद है। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे एंड अगेन प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी। तो दिस आई हैव ऑर्डर फ्रॉम शीइन। तो अगेन मुझे लॉन्ग ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये काफ़ी स्किन टाइट ड्रेस है एक्चुअली, बट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इस तरह की ड्रेसेस। और मुझे कलर काफ़ी पसंद आया क्योंकि मेरे पास इस तरह का कलर भी नहीं है, इस तरह का पैटर्न भी नहीं है। तो ये फर्स्ट ड्रेस मैंने ऑर्डर की है। नेक्स्ट अगेन मैंने बॉडी कॉन टाइप ड्रेसेस सारी ऑर्डर की हैं क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये भी रेड कलर की है, थोड़ा सा इसमें ऐसे ऑरेंज पीची काइंड ऑफ लग रही है। तो अगेन ये भी स्लीव्स के साथ है और ये भी सेम स्टाइल की है, बट कलर डिफरेंट था। तो मेरे पास रेड कलर की इतनी ज़्यादा ड्रेसेस नहीं है, तो इसलिए मैंने 2 रेड कलर की ऑर्डर की हैं। अगेन आई एम गोना मेंशन द प्राइस ऑन द स्क्रीन। सो दिस इज़ द सेकेंड ड्रेस विच आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम शीइन। नाउ द थर्ड वन जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा स्टाइल। अगर आप चाहते हैं इनमें से मैं कोई भी ट्राई करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और पिक्चर्स आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं ट्राई करके पिक्चर्स अपलोड कर दूंगी। तो ये थोड़ा सा बेबी पिंक और वाइट कलर में है, पैटर्न बहुत ही अच्छा लगा और ये इस तरह का स्टाइल है कि आप ऐसे आप पहन सकते हैं। तो इट्स गोना लुक लाइक दिस। सो काफ़ी अच्छी लगी मुझे एंड फुल स्लीव्स हैं। तो मुझे यहाँ पर एक्चुअली थोड़ी सी ठंड है अभी, तो मुझे फुल स्लीव ड्रेसेस चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ऑर्डर की है। अगेन मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। सो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो आई थिंक ये मिडी ड्रेस है। तो मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी। तो मुझे आजकल लॉन्ग ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं और स्पेशली बॉडी कॉन ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सो दिस आई हैव ऑर्डर फ्रॉम शीन। कलर वाइज आई वुड से कलर बहुत अच्छा है। बाकी दोनों जो मैंने रेड में मंगवाई हैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा रेड ड्रेसेस नहीं थी, तो इसलिए मैंने वो दोनों मंगवाई थी। और ड्रेसेस वैसे भी मुझे शीन की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, मैंने 1-2 ड्रेसेस पहले भी मंगवाई हैं। तो अगेन अगर आप देखना चाहते हैं आउटफिट लुक्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, मैं ज़रूर इनको पहन के आई एम गोना क्लिक द पिक्चर्स एंड आई एम गोना पोस्ट इट ऑन माय इंस्टाग्राम। ये 3 ड्रेसेस मैंने शीन से मंगवाई हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शीइन हॉल। आई होप आप लोगों को हॉल पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं अगेन आप मैं कोई भी प्रोडक्ट इनमें से ट्राई करूँ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगेन आई एम रियली सॉरी क्योंकि आई नो इंडिया में शीन बैन है, आप नहीं परचेज़ कर सकते, बट मैं ट्राई करूँगी। अगर मुझे सिमिलर प्रोडक्ट्स मिलेंगे मैं मेंशन कर दूँगी नीचे, आप चेक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब भी मैं कोई नया लुक क्रिएट करती हूँ और वीडियो शूट करती हूँ तो आप लोग हमेशा कहते हैं कि ये वाला लुक क्रिएट करें। तो ये वाला मेकअप लुक मैंने शूट किया है, बट मैंने IGTV वीडियो शूट किया है इंस्टाग्राम के लिए, या तो मैंने पोस्ट कर दिया होगा, तो आप चेक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। तो प्लीज़ मैं मोस्टली क्या होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं शूट कर पाती, तो आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं मेरे मेकअप जो भी मैं करती हूँ। यूजुअली मैं IGTV पे पोस्ट कर देती हूँ। तो अगेन अगर आपने फॉलो नहीं किया आप ज़रूर फॉलो करें। सो अगर आपको आज का हॉल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और एक और चीज़, अगर आपको कुछ इंडियन वेबसाइट्स पता है जो मैं इंडिया से बाहर एक्सेस कर सकती हूँ क्योंकि मैं मोस्टली इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकती क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहती, तो अगर आपको कुछ वेबसाइट्स पता है जो मैं ऑस्ट्रेलिया में रह के एक्सेस कर सकती हूँ जिन पर इंडियन प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं मैं हॉल करूँ उन वेबसाइट्स का तो आप कमेंट कर दें, या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम। अगर आपका कोई भी पर्सनल रिक्वेस्ट होता है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल को एंड सपोर्ट मी. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.